सत श्री अकाल जी सारे वीरानू, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है और मैं आस करता हूँ कि सभी ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे। जो भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिसको अच्छे अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज की वीडियो मैंने अपनी जो हीफर इस साल लगभग नवंबर से अक्टूबर नवंबर से जो काविंग हुई थी वो दिखाना चाहूँगा, क्योंकि वो अभी सात सात आठ आठ मंथ की बछड़ियाँ हो चुकी हैं, कुछ छः मंथ की हैं, कुछ सात मंथ की हैं, कुछ आठ मंथ की हैं, और उनकी जो डाइट है वो भी बताना चाहूँगा और उसको कैसे हम मैनेज करते हैं, तो वो सब कुछ दिखाना चाहूँगा। तो एंड तक हमारे साथ वीडियो में बने रहें और जो जो सीमन की भी हैं वो भी बताऊँगा। ये जो आप हमारी बछड़ियाँ देख रहे हो ये लगभग छः महीने से लेके आठ मंथ तक की हैं और इनका जो वेट है वो डेली एक केजी से ज़्यादा अप हो रहा है, क्योंकि जो इनकी डाइट है वो हम प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं इसको, और जो भी कर रहे हैं फॉर्म लेवल पे अच्छा कर रहे हैं, और जो आप देख रहे हो मतलब इसमें ज़्यादातर बछियाँ लाइट हाउस एडिगोपी सीआरबी का लैंडर और कंसर्ट सीआरबी कंपनी का, ये चारों सीमनों की ये सभी बछड़ियाँ हैं। ये जो आप सभी देख रहे हो ये सारे सीमन ही इनको लगे हुए थे हमारी गाय को पिछले साल, तो उनकी ये बछड़ियाँ आई हमारे पास लगभग 30 बछड़ियाँ हैं, कुछ छोटी एज की हैं वो दूसरी साइड है, ये कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई थी तो इनको इधर रखा गया। ज़्यादातर बछियाँ यहाँ पे लैंडर और कंसर्ट की हैं, और ये हमारा बुल है जो मैंने अभी कभी शॉर्ट में भी डाला था, तो ये लैंडर का है, ये अब अगले सीज़न के लिए हम इसको रेडी कर रहे हैं। तो पिछले सीज़न में तो हमारा जो बुल थे वो एबीएस वाले ले गए थे, तो ये सारी ही बछड़ियाँ बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही हैं, एक से लेके 125 ग्राम मतलब सवा एक किलो से लेके सवा किलो तक की डेली की ग्रोथ आ रही है। इनको हम काफ ग्रोअर पा रहे हैं जो हम खुद ही तैयार करवाते हैं, और इनको हम जो भी डाइट है उसकी प्रॉपर देते हैं, जैसे 3 केजी तक फीड देते हैं हम, और लगभग 7 केजी साइलेज और 1 केजी के हिसाब से तूड़ी दे रहे हैं। इससे पहले हमारा जो शेड्यूल था वो थोड़ा चेंज था, क्योंकि हमने जो पिछला कट था लूसन का और आई ग्रास का वो हमने सुखा लिया था, उसकी हे बना ली थी, तो हम उस टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा देते थे, जैसे 3 केजी फीड तो पक्की देते थे इसको ग्रोवर की, और उसके बाद में इनको 2 केजी हे देते थे, और जो मतलब भूसा होता है कनक का वो थोड़ा कम देते थे, तूड़ी कम देते थे, और साइलेज 7 ही केजी देते थे। हमने अलग अलग डाइट सबकी बना रखी है, जैसे उनको थोड़ा साइलेज कम जाता है उनकी भी वीडियो एक बनाएंगे, पहले ये मतलब जो 6 से 8 मंथ वाली बछड़ियाँ हैं हमारी, तो ये इनके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि इन्हों को पहले प्रेग्नेंट कराया जाएगा जनवरी या फरवरी में, क्योंकि वो टाइम इनके लिए सही होगा, जब तक हम जब ग्रोथ लेके ये लगभग हमारी 4 क्विंटल के करीब ये बछड़ियाँ हो जाएंगी, क्योंकि जैसे हमने दिन काउंट कर लिए कि हमारी एवरेज 1 केजी आ रही है, ये आप मिनिमम लगाओगे तो 800-900 ग्राम की एवरेज आएगी, तो उसी हिसाब से हमने इनको प्रेग्नेंट कराना है,
साढ़े तीन से चार के बीच में जितना वेट हो गया उस टाइम तो करवा देंगे, क्योंकि इससे इनका जो वेट की गेम है, वेट ही नहीं चाहिए, थोड़ा हमने ने इनको इंटरनल भी तैयार करना है, क्योंकि जब हमने एआई करानी है उसके पहले हमने इनको एक तो बिनोला और एक्स्ट्रा मिनरल मिक्सचर वगैरह सब कुछ देना स्टार्ट करना है, जिससे जो इसकी यूट्रस है वो अच्छी तकड़ी हो जाए। तो एक हम इनको प्रोडक्ट डालते हैं डेयरी प्रोटीन, वो हम थोड़ा डालते हैं मिक्स करके डालते हैं, तो ये सारियां बछड़ियों की ग्रोथ 1 kg से प्लस आ रही है। और हर एक चीज़ का हम इनका ध्यान रख रहे हैं, जैसे इस बार हमने पिछले साल हम कभी भी बछड़ियों को मतलब प्रेफरेंस नहीं देते थे कि ये जल्दी जल्दी बढ़े, तो उनके लिए ये बस पंखे वगैरह भी नहीं लगाए थे। इस साल हमने इनको स्प्रिंकलर भी लगाए हैं, क्योंकि जो हमने जो PDFA में मेला होता है उस पे जाके जो लोगों से बात करके पता चलता है कि इनको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, भी जेकर इनको भी पालना है तो प्रॉपर तरीके से पालना चाहिए। पहले हम थोड़ा सा 2 kg फीड देते थे, इस साल 3 kg फीड दे रहे हैं, क्योंकि हमने जो 800-900 ग्राम प्रोटीन इनको देना है ग्रोथ वास्ते वो पूरा हो, तो ये चीज़ें पूरी करके हम मेंटेन कर रहे हैं। तो एक संतुलित खुराक इनको दे रहे हैं जिसमें ग्रोवर है 3 kg, अभी इनको प्रोटीन नहीं शुरू किया है, अब करेंगे थोड़ा डेयरी प्रोटीन शुरू करेंगे, तो इससे जो ग्रोथ है वो लगभग बनी रहेगी इनकी। तो जैसे ही जनवरी आएगी तो ये 4-4.25 की हो जाएं, ये हम मानते हैं कि आगे 6-6.25 की सूएं तो अच्छा दूध दे दें और एक अपना लेवल लेके चलें और उनको अच्छे से अपने दूध को मेंटेन करें। और ये जो ये सामने वाली बछड़ी देख रहे हो, ये वाली ये सबसे बड़ी बछड़ी है, ये लगभग हमारी 3 क्विंटल के करीब होने वाली है। तो ये लाइट हाउस की है, वो जो सामने खड़ी है वो ब्लैक वाली, वो कंसर्ट की है, ये जो ये सामने खड़ी है ये भी लैंडर की है। तो ये सारी बछड़ियाँ लैंडर, कंसर्ट, एडिगोपी और लाइट हाउस की हैं, उधर भी इतनी बछड़ियाँ हैं। तो एक अच्छे तरीके से जेकर आप पाल रहे हो तो किसी अच्छे न्यूट्रिशन से लेके आप फीड वगैरह, तो उनसे फार्मूलेशन लेके और उसको अच्छे तरीके से पालो, और उससे जो बछड़ी आपके फॉर्म की पली होगी वो आपको आगे जाके बड़े बेनिफिट देगी। तो इसलिए हम इस साल पूरी तनदेही से लगे हुए हैं कि ये अच्छा परफॉर्म करें, अच्छा सब कुछ हो। तो ये आपने ग्रोथ भी देख लिया, सारा कुछ देख लिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करा करें। सभी भाइयों का धन्यवाद, जेकर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना मत भूलें। थैंक यू।